तो यहाँ पर देखिए जी, ये हो रहा है धारा पूजा में मस्त तरीके से। अरे रुको अंकित भाई, जो है वो उतार रही है गागर को, ठीक है ये यहाँ पर थोड़ा भरा है। ओए तालियां, ओहो हर चीज होए तो शानदार। ओ बे ससुर तभी भी नींद आपकी शादी भी जल्दी होने वाली है, बस इसी उम्मीद में हम जी रहे हैं। रंगीत भाई ठीक है, फिर बहुत बधाई है आपको। तो हो गए एक और नए ब्लॉग की शुरुआत तिमलखाव गांव से, और काफ़ी प्यारी शानदार धूप लगी हुई है चारों तरफ, देख सकते हैं। और हमारे सभी भाई लोगों की तैयारी हो चुकी है यहाँ से अब निकलने की। हम रुके थे साहब जिस दिन से हम आए हैं अमित भाई के घर में रुके थे, और भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो भी कष्ट हुआ होगा। अरे नहीं भाई यार, आप ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप लोग आओ, यहाँ आओ, दोस्त थे, दोस्त की तरह रहे और हमने मजे किए, वही वही बहुत सही बात है, सही बात है ना। और ये तो आना जाना लगा रहता है यार, बाकी क्या चीज़ है। हाँ, और बाकी अमित भाई का आप घर देख सकते हो, काफी प्यारा घर है पुराने जमाने का ना, एकदम मस्त। तो यहाँ लगभग सभी ऐसे ही घर हैं। तो अभी के टाइम पर नीचे चलते हैं अंकित भाई के घर पे, वहाँ पर धारा पूजन हो रहा है, तो उसको भी आपको दिखाएंगे जो कुछ भी होगा। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अंकित भाई का गाँव काफी प्यारा गाँव है, और यहाँ से जो घर है ना अंकल जी, बहुत बढ़िया बढ़िया चलते हैं। हाँ चलन बढ़ गई, हाँ नहीं चलते हैं अभी, अभी उधर ही जा रहे हैं अभी। हाँ थोड़ी देर में तो चलिए जी, अभी के टाइम पर निकल चुके हैं धारा पूजन के लिए अंकित भाई और विपना भाभी। गजब वाली बात, जय सर जय। तो यहाँ पर देखिए जी, हो रहा है धारा पूजन में मस्त तरीके से। सुनो, जैसे पेपराजी पहुँचते हैं ना, वैसे यूट्यूब वगैरह सबसे पहले पता लग जा रहा है क्या होने वाला है। घर में तो अभी धारा पूजन हो गया है, तो सभी लोग अभी घर को जा रहे हैं। जो अब कुछ रस्म हो रही घर में, क्योंकि जो पानी ले गए ना, इस पानी को सबको पिलाना पड़ेगा उनको। ओ मेरी माटी, ओ मेरू पानी हे मां, जो है वो उतार रही है गागर को, ठीक है ये यहाँ पर थोड़ा भरा है जो चलती आगे गढ़वाल में, अब देखो क्या होगा। आपने पीना है? ओए तालियां, ओहो हर चीज होए तो शानदार शानदार। अब आशीर्वाद तो लो, ए शाबाश। अब भारी काम निकल मोसी, हां भारी काम निकल। अब भारी भारी चाचा जी आ गए, अभी चाचा जी आ जाओ, सब आ जाओ, मौसी चाची ताई सब। ओ बे ससुर तभी भी नींद पड़ अंकल जी, आप सब निकल के आतन से पियो कायम के सब। अरे पिलाओ पिलाओ पिलाओ। कुछ लोग कहने लगे थे क्योंकि घर पे कुछ ज्यादा काम भी पड़ चुके हैं, काफी दिनों से हम यहीं पे हैं, पर मैं अभी मैदान लगाई है। अंकित ने आपकी शादी भी जल्दी होने वाली है, बस इसी उम्मीद में हम जी रहे हैं। हर एक आदमी इसी उम्मीद में जी रहा है, मैं हमारी जी आप उम्मीद में जी रहा है, हर नहीं ये जी रहे, बस ये जी रहे, ऐसा नहीं। हमारा आशीर्वाद पंडित जी इसको दे दो, आपकी शादी नहीं हुई है, मेरा वाला इसको दे दो, अभी दुनिया में बहुत पड़े हैं। अंकित भाई ने ये मान लिया है कि दूरी में, प्यार में दूरी मायने नहीं रखती, आप दूर से यहाँ पहुँचे
आपका हार्दिक अभिनंदन किया। रंगीत भाई ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो अभी का टाइम ना हमारे निकलने की तैयारी हो चुका है, यहाँ पर भाई लोगों को बाय कर देते हैं। तो चलो ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई लोगों, चलते हैं फिर मिलेंगे जल्दी। ठीक है, ठीक है भाई, बाय 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 बाय। चलिए अंकल जी, ठीक है फिर जल्दी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा बता, प्रणाम अंकल जी। तो दोस्तों अभी के टाइम पर ना मैं तिमलखाल गांव से निकल चुका हूँ अंकित भाई के घर से सीधे अपने इधर की ओर। तो अभी मुझे भी यहाँ से फर्स्टली दमदेवल जाना है, पिनाली दमदेवल, उसके बाद थलीसैंड चौरीखाल, और इस रास्ते होते हुए मुझे बैजरों से आगे सीधे अपने घर को निकल जाना है। तो मैं अभी अकेले जा रहा हूँ, जो मेरे साथ सुनील ध्यान आया था वो आज यहीं रुक रहा है, तो मैं अभी चलने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्त अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको रास्ते का जो भी सीन होगा, एकदम मज़ेदार, काफ़ी मतलब अच्छा सफ़र रहेगा आई होप। तो अभी के टाइम पर ना एक ऐसे सामने आ चुके हैं जहाँ पर कि गधेरा लगता है, परसों भी हमेशा से भीगे थे, हम भी फंसे थे। तो यहाँ पर अभी एक कार ही फंसी हुई, यहाँ पर एक पुल बन रहा है ना, इस पुल से होगा हमें सीधे अभी ऊपर जाना है, सीधे भाई दमदेवल की तरफ। तो जो पहले कार निकालते हैं उसके बाद में गाड़ी निकालते हैं। तो दोस्त अभी का टाइम होना, हम पिनानी धारे पहुंच चुके हैं और दो भाई लोग मेरे साथ अभी जा रहे हैं जो कि अंकित भाई के साथ में डीजे वाले थे। तो भाई साहब आप कहां तक जाओगे? हम जाएंगे दमदेवल। तो दमदेवल हम साथ चलेंगे, दमदेवल यहां से है 6 किलोमीटर, उसके बाद थलीसैंड 40 जो कि मुझे जाना है, थलीसैंड से आगे बैजरो। तो भाई यहां से तिमलखाल दिख रहा है, यानी कि अंकित भाई का घर जहां की शादी हुई आपको दिखाते हैं सामने, जहां पर टेंट लगा हुआ था आपको अभी दिखा दिया। तो वहां से अभी हम यहां तक आ चुके हैं, अब यहां से मुझे भाई लोगों के साथ जाना है दमदेवल तक, वहाँ से थलीसैंड, तो जंगल का रास्ता है पूरा। तो भाई दोस्तों अभी के टाइम पर ना मैं चौरीखाल में पहुँच चुका हूँ और इधर से पूरा जंगल वाला एरिया था, तो अभी यहाँ पर थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे। तो काफ़ी प्यारी मार्केट है भाई चौरीखाल की, एकदम गजब। तो दोस्तों सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं पहुँच चुका हूँ कपरौली में, ये देखिए सामने रहा भाई कपरौली का काफ़ी प्यारा और खूबसूरत सा गाँव, एकदम मस्त। और यहाँ ऐसे खेतों को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गेहूं वगैरह की बुताई भी हो चुकी है। तो एक भाई अभी बल्ले को लेकर आ रहा है खेत से, तो उनसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर गेहूं की बुताई हो चुकी है, तो काफ़ी आगे भाई ये क्षेत्र मतलब खेती के मामले में रहता है। तो वही कपरौली गाँव से थोड़ा आगे आने पर आप दिख रहा है कपरौली गाँव पूरा, देखिए सामने पूरा प्यारा सा गाँव है, और नीचे जो खेत है ना नीचे गधेरे से है भाई, पूरे ऊपर रोड से ऊपर तक पूरे सीढ़ीदार खेत हैं जिनमें कि गेहूं की बुताई हो चुकी है, काफ़ी प्यारे खेत है भाई, देखिए कितनी अच्छी खेती यहाँ के लोग करते हैं, गजब भाई मज़ा आ गया। और इस तरफ पूरे मंडियों के खेत जो कि अभी खाली हो रहे हैं और ऊपर पूरा कपरौली गाँव है। तो अभी रास्ता लगा हूँ मैं आगे चलते चलते और थोड़ा देर में हमें थलीसैंड भी मिल जाएगा। तो भाई दोस्तों अभी का टाइम बना मैं कन्यूर बैंड में पहुँच चुका हूँ और सामने आया थलीसैंड की प्यारी सी मार्केट। तो यहाँ पर मुझे दो ताई लोग मिले, ताजी नमस्कार। नमस्कार, और ठीक ठाक? अच्छा, क्या बोलना चाहोगे आप? अच्छा ठीक, हम घूमने का आ रखा है, घूमना चाहिए, घूम रहे हैं। आप कहाँ से हो फिर? हम ये मार्केट आए, मैं चौथा। अच्छा चौथा। तो ये है कन्यूर बैंड जो कि थलीसैंड का व्यू पॉइंट है, सामने है थलीसैंड के काफी प्यारे मार्केट में, देखिए दोस्तों एकदम मस्त प्यारा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। और बाकी ये सबसे फेमस व्यू पॉइंट हो चुका है यहाँ पर ना। एक रोड लेफ्ट के लिए जा रहे हैं जो कि पीर सैंड के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर राइट के लिए जाना है और सीधे चलेंगे थलीसैंड मार्केट में। तो चलिए भाई दोस्तों अभी का टाइम बना थलीसैंड पहुँच चुके हैं और इधर मार्केट में जाएंगे थोड़ा आगे, सामने है थलीसैंड का टैक्सी स्टैंड और उससे आगे थलीसैंड का बस स्टैंड। तो चलते हैं भाई थलीसैंड मार्केट की तरफ ना थोड़ा।
अभी के टाइम पर ना मैं रुका हूँ ग्राम गढ़सारे से थोड़े इधर सामने है वह गढ़सारे गाँव। यहाँ पर ना एक पुल में भी लैंडर रखा जा रहा है, कुछ देखिए भाई कुछ इस तरीके से सारे लोग लगे एकदम मस्त तरीके से पूरा लैंडर रखा है इधर। काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है भाई एकदम मस्त। और नीचे एक नदी बहती है जो कि आगे चलकर गौना छीना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर थोड़ा और। तो लोकेशन है एकदम खतरनाक गजब वाली, देखिए किस तरीके से पूरे पहाड़ को काट कर ना पहाड़ के नीचे से रोड बनाई गई है और सीधे भाई पूरे खड़े पहाड़ काफ़ी बड़े, जहाँ तक नज़र भी नहीं लग रही वहाँ से और नीचे तक सीधे गधेरा और नीचे बहुत बड़ा गधेरा है, तो यहाँ से रोड बनाया गया है तो काफ़ी खतरनाक काम किया गया। तो दोस्तों इस जगह का नाम है गौना छीना, देखिए कितना खतरनाक झरना है भाई, बहुत ही भयंकर भाई भाई साहब देखिए। और जब वर्षा के टाइम पर ये उफान रहता होगा ना तो जहाँ से भाई ऊपर पूरे पत्थर ना साफ हो रखे वहाँ से इसमें पानी रहता है और ये वही जगह है जहाँ से पत्थरों के नीचे रोड भी बनाए गए, देखिए काफ़ी खतरनाक भाई एकदम डरावनी जगह टाइप के है ना देखिए भाई। तो एक बारात की बस भी यहाँ से अभी आ रही है एकदम मस्त करके और बाकी सामने का है ना बहुत ही खतरनाक है भाई। तो चलिए भाई दोस्तों अभी के टाइम ना बैजरों में पहुँच चुके हैं और थोड़ा बाइक को भी रेस्ट दे देते हैं, तो यहाँ पर अभी लंच करने की सोची है मैंने, तो चलिए होटल में चलते हैं। तो सामने रहा भाई बैजरों का खूबसूरत प्यारा मार्केट, लेकिन अभी दिन के टाइम ना भीड़ भाड़ कम है, नहीं तो सुबह शाम काफ़ी भीड़ रहती है इधर जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों अभी के टाइम पर ना मैं बैजरों में एक होटल में बैठ चुका हूँ लंच करने के लिए और काफ़ी बढ़िया ये सफ़र रहा तिमल खास से और बैजर तक, अभी तक एकदम मस्त मज़ा आया। कई सारे जगह मैंने आपको दिखाई भी, कई दम देवल से और चौरी खाल आने तो खतरनाक जंगल था भाई, गाड़ियाँ भी नहीं थी लेकिन चौरी खाल से और थली साइड से बैजर आने में काफ़ी सारे गाड़ियाँ भी थी और काफ़ी मज़ा भी आया।